आज हम इस वीडियो में कोटक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप का कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ। शेयर बाय और सेल कैसे करते, इसमें लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते, ये सभी मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोटक सिक्योरिटी का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और आपको इंडिया का टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकर का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पे जाके भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोटक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद अपना लॉगिन डिटेल देकर उसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक नया डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि माय वॉच लिस्ट और प्रीसेट वॉच लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 कितना चल रहा है, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, ये सभी का वैल्यू कितना चल रहा है अभी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आप माय वॉच लिस्ट में देख सकते हैं नीचे ये जो स्टॉक है ये मैंने खुद से ऐड करके रखा हुआ हूँ। तो आप यहाँ पे अपना स्टॉक फेवरेट स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे कि मैं ITC को सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे ITC आ गया। उसके बाद इसको ऐड करने के लिए आपको प्लस आइकन पे टच करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ITC ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ITC ऐड हो गया है। तो यहाँ पे आप अपना मनपसंदीदा जो स्टॉक है यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं, और उसको आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं और सेल और बाय भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं अपना जो भी शेयर आपने खरीद के रखा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर यहाँ पे आप क्वांटिटी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है निफ्टी 50 पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 में जितना भी कंपनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेंसेक्स पे आप जब जाएंगे तो सेंसेक्स में जितनी भी कंपनी है वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अभी हम आते हैं ऑर्डर एंड पोजीशन पे। यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर लगाएंगे वो आप यहाँ पे ऑर्डर बुक पे देख सकते हैं। उसके बाद आती है पोजीशन में जो भी ऑर्डर आपका आज एग्जीक्यूट हो गया है वो आप यहाँ पे 2 डेज पोजीशन पे देख सकते हैं। और ओपन पोजीशन में जाके जो भी ऑर्डर अभी ओपन है वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं डैशबोर्ड पे। अब जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का करेंट वैल्यू देख सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आती है मार्केट्स पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि 1 डे का, 5 डे का, 1 ईयर और 5 ईयर, आप सभी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि निफ्टी 50 कितने पे आज ओपन हुआ, प्रीवियस क्लोजिंग कितने पे हुआ, आज हाई कितना बनाया है, लो कितना बनाया है, और 52 वीक हाई लो क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 में टॉप गेनर कौन सी कंपनी है, टॉप लूज़र कौन सी कंपनी है वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 52 वीक हाई पे कौन सी कंपनी ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो पे कौन सी कंपनी ट्रेड कर रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में जो भी कंपनी है वो कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है और कौन सी कंपनी नीचे जा रही है वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी कंपनी का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोटक सिक्योरिटी हमको रिसर्च भी प्रोवाइड करती है, तो आप रिसर्च पे जब आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग टर्म का रिसर्च प्रोवाइड किया है, इंट्राडे का रिसर्च प्रोवाइड किया है, शॉर्ट टर्म का है, मिड टर्म का है, तो आप यहाँ से उसका रिसर्च देख सकते हैं। और आपको अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसका रिकमेंडेड प्राइस पे खरीद भी सकते हैं और टारगेट प्राइस पे बेच के अपना प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे मोर पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो
फंड्स, न्यूज़ ये सभी देख सकते हैं। पहले हम पोर्टफोलियो पे जाते हैं। आप पोर्टफोलियो पे यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना कितना इन्वेस्टमेंट है और आपका इन्वेस्टमेंट का करेंट वैल्यू क्या है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और डे का भी प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आती है म्यूचुअल फंड। आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदे हैं तो आपको यहाँ पे वो देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि डेरिवेटिव है, करेंसी है, कॉम्योडिटी है, जो जो भी आपका पोर्टफोलियो में है, डेरिवेटिव, करेंसी, कॉम्योडिटी सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आती है फंड्स। अब फंड्स में अपना अवेलेबल जो फंड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आप अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं और आप यहाँ पे ही ऐड फंड कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ऐड फंड ऐड करने के लिए आपको ऐड फंड पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एंटर अमाउंट पे आप जितना भी फंड ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा जो है 3-in-1 अकाउंट है, तो इसलिए मुझे कोई UPI ID भी डालना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो मेरा फंड बैंक अकाउंट से सीधा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन आपका ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास कोटक के 3-in-1 अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आपको UPI मिल जाएगा, NEFT मिल जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग मिल जाएगा। आप कोई भी एक ऑप्शन पे जाके अपना फंड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फंड विड्रॉल करनी है तो आप यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट आपको विड्रॉल करनी है वो आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आप विड्रॉल फंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आप कन्फर्म फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड का, IPO का, बॉन्ड्स का। आप यहाँ से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, IPO में अप्लाई कर सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप एक नंबर देख सकते हैं, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आई शेयर खरीदने में, शेयर बेचने में, तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कोटक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे शेयर को बाय और सेल कैसे करते हैं। तो शेयर को बाय करने के लिए आपको वॉच लिस्ट में आनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आप जो भी स्टॉक बाय करना चाहती है उस स्टॉक को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए आप ऐड स्टॉक पे क्लिक करेंगे और जो भी स्टॉक आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो स्टॉक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस आइकॉन आ गया है। तो आप जो भी स्टॉक यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे बैक में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने HDFC को ऐड किया अभी, तो यहाँ पे HDFC ऐड हो गया है। अभी आप जिस भी शेयर को खरीदना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सेल और बाय का दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप बाय पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं NSE, BSE दो ऑप्शन है। आप किसी भी एक ऑप्शन से चाहे खरीद सकते हैं, NSE से भी खरीद सकते हैं और BSE से भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वांटिटी। आप यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी लेना चाहते हैं आप यहाँ पे वो डाल देंगे। जैसे कि मुझे आपको दिखानी है इसलिए मैं एक ही क्वांटिटी यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी आप प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मार्केट प्राइस पे ही खरीदना चाहती है तो आप प्लेस एट मार्केट प्राइस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगती है कि इस शेयर का प्राइस नीचे जाएगा और भी, तो आप यहाँ पे इसको टिक मार्क हटा के आप अपना खुद का जो प्राइस देना चाहती है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आप रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। मुझे इसको मार्केट प्राइस पे ही खरीदना है इसलिए मैं प्लेस एट मार्केट प्राइस पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद रिव्यू ऑर्डर,
उसके बाद आप यहाँ पे बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली बाय हो जाएगा। उसके बाद आप व्यू ऑर्डर बुक में जाएंगे तो आपका ऑर्डर डिटेल आप वहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद आप गो टू पोजीशन पे जाएंगे तो आपका पोजीशन क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैं व्यू ऑर्डर डिटेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया है। अभी मुझे ITC को सेल करना है तो ITC को सेल करने के लिए आप ITC के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करेंगे तो स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप ऑर्डर इन्फो देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी में जितना भी शेयर आप सेल करना चाहती हैं वो आप यहाँ पे क्वांटिटी पे डाल देंगे। अभी आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि इस शेयर को आप मार्केट प्राइस पे सेल कर देंगे कि मार्केट पे जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे सेल कर देंगे तो आप यहाँ पे प्लेस एट मार्केट प्राइस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगती है कि ITC का प्राइस इससे भी ऊपर जाएगा, जैसे कि ITC का प्राइस अभी चल रही है 242.30 रुपया के करीबन और आपको लगती है कि ये 250 तक जाएगा तो आप यहाँ पे 250 सेट करेंगे और रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर पूरे दिन में कोई भी टाइम ITC का प्राइस 250 पे जाती है तो वो खुद से सेल हो जाएगा, और अगर 250 नहीं जाती है तो आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे इसको मार्केट प्राइस पे सेल करनी है तो मैं यहाँ पे प्लेस एट मार्केट प्राइस पे क्लिक करूँगी। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करूँगी तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सेल पे क्लिक कर देंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो सेल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और भी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।